नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। सत्रोंत उच्च प्लस टू विद्यालय चिनिया के अध्यक्ष द्वारा लगाया गया प्रधानाध्यापक पर आरोप। चिनिया से हमारे संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। प्रखंड चिनिया दिनांक 22/8/2021 को सत्रोंत उच्च प्लस टू विद्यालय चिनिया के अध्यक्ष कपिल प्रसाद ने प्रधानाध्यापक राजीव रंजन तिवारी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि विद्यालय को विद्यालय की तरह नहीं बल्कि एक बार की तरह बनाकर रखा गया है एवं घूम फिर कर विद्यालय का निरीक्षण किया गया, जिसमें देखा गया कि विद्यालय की स्थिति काफी दयनीय है, जिसे अगली रिपोर्ट में दिखाया गया है। आइए देखते हैं। देखिए चिनिया प्लस टू उच्च विद्यालय, हम एचएम साहब को जनवरी से ही प्रारंभ किए हैं, इसके बाद नहीं सुने तो हमने फरवरी में जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसकी पूरी जानकारी लिखित रूप से दिया हूँ, जो मेरे पास डीसी भी है। उसके बाद मैं डीसी साहब उपायुक्त महोदय को दिया, विद्यालय की स्थिति काफ़ी दयनीय है, प्रभारी प्रधानाध्यापक महोदय द्वारा स्कूल से संबंधित इतना लापरवाही बरत रहे हैं कि गंदगी का उसमें मार लगा हुआ है। अगर यह शौचालय उनके पास होता तो क्या हो सकता था, वो शौचालय खुलता ही नहीं कभी, जबकि यहाँ पर महिला टीचर हैं, जबकि यहाँ पर बालिक बच्ची आती हैं, यहाँ पर आइए तक स्कूल है, नामांकन के लिए कई लोग यहाँ पर घूम गए, नामांकन भी नहीं कर रहे हैं, कहते हैं कि वहाँ पोषक क्षेत्र है। चिनिया प्रखंड 31 गांव के बीच मात्र एक प्लस टू उच्च विद्यालय है। दूसरा चीज़ है कि अभी चलिए भी इसका भी मॉनिटरिंग हमने करते हैं, किताब छठा महीना में बांटना था, शिक्षा विभाग को छठा महीना में इन्होंने रिपोर्ट क्लियर दे दी कि मैंने बांट दिया। आप बच्चे को बताए कि उस समय जब कोविड का बंद था तो घर पर पढ़ना था, परंतु एचएम साहब यह भी नहीं कि ये मात्र 35% बांट के, और हमको लगता है अभी भी कुछ किताब पढ़ा हुआ होगा, कुछ कॉपी पढ़ा हुआ है, कि बच्चों को साथ भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा तो जीवन में हम एचएम साहब को नहीं देखे थे। श्रीमान क्यों मैं इस स्कूल से लापरवाही बरत रहे हैं, पोचारा पेन हाथा टूटा हुआ है, गवर्नमेंट पैसा दिए थे, ये पैसा वापस करने के दिन हमको बोले कि चलिए पैसा वापस करना है 30 तारीख, जी लास्ट दिन था डेट, 462,000 रुपया इनकी लापरवाही से पैसा को वापस कर दिया, जो है वो विद्यालय के विकास के लिए था। इसमें 1000 फीट का बोर किया हुआ है, हम बोले कि इसमें संबर सेमूर सर लगा दिया जाए, टंकी लगा दिया जाए, शौचालय में पानी से लैस किया जाए, बेसिंग किया जाए, इस परिस्थिति में यह विद्यालय का सुधार हो जाएगा, लिपाई का कार हो जाएगा। इनकी सलाहकार बोलते हैं कि धूप में लिखा लिपाएगा तो उड़ जाता है, ये वो सलाहकार इनका कोई बोला कि नहीं बरसात में लिपाएगा तो धो जाएगा, तो हम इसका मतलब पोचारा नहीं करवाए, पोचारा के लिए यहाँ पर कारीगर आया था, सफाई गर्मी भी आए थे, लेकिन उनसे कोई बात नहीं की, वो घुमा दिए। अब देखिए प्रधानाध्यापक का कहना है कि हमसे अध्यक्ष महोदय का कोई तालमेल रहा ही नहीं। तालमेल क्या होता है, कोई जगह जमीन की लड़ाई, हमको तालमेल का इसमें मतलब है, हम नहीं सुने तो हम उच्च पदाधिकारी के लिए हमारे पास अभी तक सबूत है, तब इसके लिए कहा हम अमेरिका सरकार में लिखा पढ़ी करना चाहिए, पूरी समझ में आ रहा है। हम अगर नहीं काम करते तो हमारे विरोध उनको लिखना चाहिए कि अध्यक्ष नहीं सुन रहे हैं, लेकिन वो नहीं सुने तब हम माननीय पदाधिकारी के पास दिए, कलाम सभा में अभिभावक रूप में भी यह बात को बोले कि एचएम साहब की लापरवाही सारा स्कूल का काम दुर्दशा में फंसा हुआ है। आप देखिएगा गेट खुला हुआ है, गेट के लिए एक व्यक्ति को 15,000 का चेक दिया, इसने लिख दिया उसका भज में लिख दिया, परेशान हो गया, बैंक से लान करके हाथ तक रह गया। आप सोचिए कि इसमें गंदगी, शौचालय उधर है, बाहर के लोग इसमें गेट खुला है शौचालय कर दे रहे हैं, आप बताइए कि यहाँ पर लड़की लोग पढ़ते हैं किसे पढ़ेंगे। गंदगी के लिए बात की गई, हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात इसके लिए भी अध्यक्ष महोदय से बात किया था, उन्होंने बोला कि यहाँ कोई मजदूर काम नहीं करेगा, इस विद्यालय की साफ सफाई नहीं कर सकती, इसलिए आप गढ़वा से मजदूर मना करके इसको साफ। अच्छा ये काम किया, लोकतंत्र में कोर्ट में पीपल के पत्ते के हाजत के गेट में खड़ा होता है, यहाँ पर भी पीपल इस ग्राउंड में है जो बचा के रखे हैं, और रामायण मंगाइए, वो कहे कि हम इनको गढ़वा और बॉम्बे से मजदूर किया, इतना जो बिल्डिंग यहाँ बना हुआ है ये गढ़वा के लेबर इसमें काम किया है, यहाँ के लोग काम किए हैं, ये कहे कि मेरा नियत नहीं कराने के लिए, इसका क्या रास्ता है भाई। अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि कोई कानून इस देश में बनाया होगा कि विद्यालय विकास फंड छात्र कोष, ये अध्यक्ष के पास खाता नहीं होता है, श्रीमान के पास, एचएम के पास खाता होता है, यहाँ 1000 से अधिक छात्र छात्राएं यहाँ पर नामांकित है, ये तो चरागाह बना लिया कि पैसा लेना है, शायद बैंक को भी जमा नहीं किए, अभी छात्र कोष से भी यही पैसा पड़ा हुआ है,
लगभग 5 लाख रुपए होना चाहिए जो नामांकन का दर है, वो पैसा से भी यह विद्यालय का काम हो सकता था, लेकिन यह पैसा से लेकर तो हम तो देखे कि आजकल 2 दिन पहले छोटे छोटे बच्ची से घास सुवा रहे थे, जब हम छात्र कोष उससे लेके में यहाँ पर थे वो तो ऐसा नहीं करते थे, लेकिन इनको तो स्कूल के प्रति कोई रुचि भी नहीं है। विद्यालय प्रबंधन समिति जिस दिन चुनाव गठन हुई थी हाँ। आपके द्वारा कहा गया था कि हमको स्कूल में तो 4 बच्ची के सामने हाँ वो तो बोल रहे थे मोलेश्वर जी जी बेइज्जती किया हाँ बेइज्जती किया गया। उन्होंने ऐसी बात को एक्सेप्ट नहीं की, उन्होंने नहीं वहाँ एक्सेप्ट किया ना कि हम अच्छा यहाँ जो वहाँ पर सब पब्लिक के साथ कि हमने गलती की है, 4 बच्ची के पढ़ा रहे थे, हमने पूछे क्या आप लोग और बच्चे क्यों नहीं आते हैं, तो उन लोग बोला हमको बोले शिक्षक कि आप अंदर कैसे आ गए, तो आप बताइए कि अध्यक्ष स्कूल में बच्चे से मोनिटरिंग भी नहीं कर सकता है, अध्यक्ष तो यहाँ का प्रार्थना में खड़ा होता है, अगर पता कर लिए कि जिला में है कौन स्कूल में अध्यक्ष साहब प्रार्थना में खड़ा होते हैं, हम तो साहब नहीं है, हम तो सोशल वर्कर है, अध्यक्ष प्रार्थना में खड़ा होता है, कई बार फोटो देखिए तो पता चल जाएगा कि अध्यक्ष प्रार्थना में खड़ा होता है, शिक्षक को खड़ा करने के लिए कहते हैं, उन लोग भी कुछ खड़े होते हैं, एक दो शिक्षक के चलते 2 जहां प्रार्थना शुरू हो गया एक ही विद्यालय में, हमें तो अनुशासन का पाठ पढ़ा, अगर किसी माता पिता ने छात्र छात्राएं को यहाँ पर भेजा है तो उसका भविष्य संवारने के लिए भेजा है, न कि भविष्य संवारने के लिए, स्कूल विध्वंस करने के लिए नहीं है, स्कूल भविष्य का हमारा उज्जवल यहाँ पर स्थान है। आपने अभी बोला कि इस विद्यालय में नामांकन नहीं ले रहे नहीं ले रहे हैं, अभी बात हुई उनसे प्रिंसिपल साहब, उन्होंने बोला कि नामांकन जारी है, नामांकन जारी है, जब यहाँ से आम सभा हुआ है, आम पब्लिक ने बोला है तब अभी जाए, अब जिसको आप घुमा दे तो चले गए दूसरे जगह, आप लोग कैसे तो घुमाए, अभी मान लीजिए कि अब कम आ रहे हैं, जबकि सरकार का निर्देश है कि नामांकन हर हाल में लेना है, हमने चाह रहे हैं चिनिया प्रखंड जहाँ गरीब गुरबा इलाका है इसे कॉलेज हो, अधिक नामांकन हो, तब लोग हम सरकार से डिमांड करेंगे कि हमें शिक्षक की आवश्यकता है, यहाँ के बच्चे समझ लीजिए कि बीए करने जाना होता है तो गड़बड़ जाते हैं, और गरीब आदमी डेरा भाड़ा करके नहीं रह पाता है, तो हमने चाह रहे हैं कि कॉलेज सुविधा प्राप्त हो, चिनिया मुख्यालय स्थित सबसे पिछड़ा इलाका है जो यहाँ पर शिक्षा का अभाव के चलते हम पिछड़ते जा रहे हैं, अगर शिक्षा प्राप्त होगा कॉलेज हो जाएगा यहाँ के बच्चे का उज्ज्वल भविष्य होगा, मेरा तो कहना भी था, लेकिन एजेंट साहब कोई मैटर का ध्यान नहीं देते हैं, यही कारण है जारी शुरू कैसे तैयारी है, अध्यक्ष प्रबंधन समिति का जो होता है उस सिस्टम को चालू करने के लिए दुरुस्त करने के लिए होता है, लेकिन उसमें काफी भूमिका उनकी भी सचिव साहब की होती है, हम तो सिस्टम को दुरुस्त करेंगे सुचारू रूप से चले, विद्यालय में क्या कमी है उसको हम अति करेंगे, सिस्टम को सही करेंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड, सबसे पहले सबसे तेज, तो हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।